बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से भावुक अपील करते हुए आखिरी चुनाव की घोषणा कर दी। नीतीश कुमार ने पूर्णिया के धमदाहा में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से अपील की है कि इस बार का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। वहीं नीतीश कुमार की अपील पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर निशाना साधा। चिराग ने सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से लोजपा प्रत्याशी संजय सिंह के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि अगर रणभूमि से नेता ही गद्दी छोड़कर भाग जाए तो बाकी के लोग क्या करेंगे। अब जेडीयू का कोई अस्तित्व नहीं बचा। अगर नीतीश कुमार जी ये सोच रहे हैं कि ये घोषणा करके वो जांच की आँच से बच जाएंगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। इसके आगे चिराग पासवान ने कहा कि साहब ने कहा है कि यह उनका आखिरी चुनाव है। इस बार पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं। अपना अधिकार उनको ना दें, जो कल आपका आशीर्वाद फिर मांगने नहीं आएंगे। अगले चुनाव में ना साहब रहेंगे ना जेडीयू, फिर हिसाब किससे लेंगे हम लोग। लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि जेडीयू प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन पर मजबूर करेगा। बिहार को और बर्बाद नहीं होने देना है। आप सभी लोजपा भाजपा सरकार के लिए सभी लोजपा और भाजपा के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दें। के में लोग हैं, उन लोगों को भी जवाब देने का काम सिर्फ आप लोग कर सकते हैं और ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ कर जा रहा हूँ। तो करेंगे कि नहीं? बिहार को बिहारी बस का साथ देंगे? अगली 7 तारीख को मतदान करने जाएंगे? कहाँ पर मतदान करेंगे भैया? कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। आप लोगों को बताए 3 नंबर? चाची आप लोगों को बता 3 नंबर दिखाइए तो एक बार सब लोग 3 नंबर हमको सब लोग दिखाए 3 नंबर 3 नंबर पर 3 नंबर पर छाप क्या होगा? बंगला छाप। और उसके सामने नाम क्या होगा? सिर्फ संजय सिंह नहीं, मेरे भाई संजय सिंह का वहां पर नाम होगा। और एक एक मत ये वादा करके जाता हूँ कि एक एक वोट जो आप मेरे भाई संजय को देंगे वो सीधा चिराग पासवान के पास आएगा। और जो चिराग पासवान के पास आएगा वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बनाने का काम करेगा। इसीलिए साथियों आप सब से ये मैं वादा चाहता हूँ और खास तौर पर अब अपने युवा साथियों से वादा कर चाहता हूँ कि आप लोग मतदान तो देने जाएंगे पर अकेले जाएंगे क्या? अकेले जाएंगे? मेरे युवा साथी कम से कम 50-50 आदमियों को आप लोग लेकर जाएंगे। मुट्ठी बांधकर वादा कीजिए आप लोग 50-50 आदमियों को लेकर जाएंगे कि नहीं? पक्का वादा? मुट्ठी बांधकर वादा आप लोग 50-50 आदमियों को? साथियों ताकि 7 तारीख को ही नीतीश कुमार जी को पता चल जाए कि सत्ता की कुर्सी उनके पांव के नीचे से खिसक चुकी है।